नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी कि इस भीषण गर्मी में हम कौन कौन से प्लांट के जो है कटिंग बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, और ये परमानेंट प्लांट हैं और इनकी ग्रोथ का सीजन है इस समय, तो इनकी जो है गर्मी के मौसम में भी कटिंग जो है बहुत आसानी से चल जाती है। पर कटिंग लगाने के कुछ नियम होते हैं। कटिंग जो है एक से ज़्यादा लगाई जाती है, कटिंग जो है हमेशा बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखी जाती लगाने के बाद, और उसमें जिस भी मीडिया में लगाएं वो बिल्कुल वेल ड्रेन होना चाहिए, पोरस होना चाहिए और अपने अंदर नमी को बनाए रखने वाला होना चाहिए। दूसरा जो है, कभी भी कटिंग जिस प्लांट में आप लगा रहे हैं वो पानी उसका नहीं सूखना चाहिए, नहीं तो हमारी कटिंग सक्सेस नहीं हो पाती है। और कटिंग को सबसे ज़रूरी बात होती है, कटिंग लगा के आप उसको बार बार टच ना करें, उसको लगा के रख दें तो निश्चित रूप से इस गर्मी में भी हमारी बहुत सारी कटिंग जो है आसानी से चल जाती है। तो मैं आपसे आज 21 से ज़्यादा ऐसे प्लांट के नाम बताऊंगी जिनको हम आसानी से इस भरी गर्मी में भी तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर है, ये देखिए दोस्तों, समर में अच्छी ग्रोथ करने वाली वाटर मेलन वाइन। तो इस समय ये प्लांट जो है, आप कहीं पर भी इसकी छोटी सी डंडी तोड़ के रख देते हैं किसी प्लांटर पर, तो ये अपने आप ही नीचे नीचे जो है इसकी रूट्स पकड़ लेती हैं, क्योंकि इसमें जितने भी लीफ निकलते हैं उतने ही नोड एरिया होते हैं, और उन नोड एरिया से जो है रूट्स भी जल्दी से डेवलप हो जाती हैं। तो ये प्लांट भी इस समय आसानी से, पहला प्लांट कटिंग से आप इस समय तैयार कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर है दोस्तों, बेबी टीयर्स का प्लांट। बेबी टीयर्स के प्लांट को भी इस समय हम कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके भी नीचे की लीफ निकालिए ये आसानी से, और इसकी बहुत सारी कटिंग लगा दीजिए, कुछ तो कुछ कटिंग बहुत जल्दी सक्सेस हो जाती है, और गर्मियों में इसका फॉलेज बहुत अच्छा रहता है। ये प्लांट जो है स्प्रिंग से लेकर जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, ठंड बहुत ज़्यादा शुरू होने से पहले तक बहुत अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं। तो मैं बहुत सारे प्लांट के नाम जो कटिंग से लेकर हैं उनको अलग करके बना सकते हैं। दूसरा जो है, उनको डिवीजन मेथड से भी हम तैयार करके बना सकते हैं इस गर्मियों के भरपूर मौसम में। ये देखिए, यह है क्रिपर चार्ली का प्लांट। क्रिपर चार्ली गर्मियों में हमारे गार्डन में ग्रीन लुक देता है, बिल्कुल पुदीना जैसा दिखता है, पर ये पुदीना नहीं होता है। तो इसकी भी बहुत सुंदर फॉलेज के लिए इस समय हम इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी भी 2 से 3 इंची कटिंग नीचे की प्लांट में पत्तियां हटाकर आप लगाइए, नॉड एरिया होनी चाहिए उसमें, तो बहुत अच्छी तरह चल जाती है। गर्मियों में अगर आप कोई प्लांट चाहते हैं ग्रीन लुक देने के लिए, तो एस्पेग्रस फर्न को लगा सकते हैं। दोस्तों, ये खूब डिवीजन से डिवीजन होता है होता रहता है डिवाइड होता रहता है, बहुत सारे इसके पप्स बनते रहते हैं, तो उनसे अलग करके हम प्लांट बनाते हैं। इसकी कटिंग नहीं लगती है, ये डिवीजन मेथड से लगता है। डिवीजन मेथड से देखिए दोस्तों, कोई भी फर्न की वैरायटी लगती है, तो इसमें देखिए ये फॉक्सल फर्न है, ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, तो इसको भी आप डिवीजन मेथड से इस भरपूर गर्मी में नया प्लांट आसानी से बना सकते हैं। डिवीजन मेथड से ही तीसरा प्लांट दोस्तों, ये है फर्न की ही वैरायटी, ये बूस्टन फर्न की वैरायटी है, और ये देखिए बहुत सुंदर फॉलिएज है इसका। इसमें जो है नमी बहुत ज़्यादा पसंद होती है इसको, नमी इस पर रखेंगे तो इसके जो है प्लांट में ऐसे ग्रीन ग्रीन लीव्स आएंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा ये प्लांट। तो इसको भी हम जो है इस अगर मिलता है तो हम इसको डिवीजन मेथड से, या छोटा सा आप डिबा कहीं पर हो रहा है किसी के यहाँ, तो वहाँ से एक छोटा सा साइड से पप्स निकाल के ले आइए, तो ये प्लांट आपके पास बन सकता है। ये है सीडम ग्रास की वैरायटी होती है, ये सीडम ग्रास लाइम कहलाती है, और ये देखिए बहुत सुंदर इसमें फ्लावरिंग होती है, इसका भी ग्रोथ का सीजन है, तो इसको भी हम इस समय कटिंग से बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। भरपूर गर्मी में आप आसानी से लगा सकते हैं, ये है कोलियस के प्लांट। कोलियस के प्लांट की जो कटिंग जो है, थोड़ी 3-4 इंची कटिंग लीजिए, नीचे के पत्ते हटाइए, पानी में डाल दीजिए, रूट्स निकल जाती है, या फिर आप सीधे मिट्टी में लगाएं, सॉइल जो है बहुत मॉइस्ट होनी चाहिए, तो बहुत आसानी से आपके पास इसका प्लांट चल सकता है। कोलियस की जो वेराइटी कहीं पर मिल जाए इस समय जरूर कलेक्ट करें, तो आपके पास कलेक्शन बढ़ेगा और आप गार्डन सुंदर दिखाई देगा। रिबन ग्रास भी डिवीजन मेथड से तैयार होने वाला बहुत सुंदर प्लांट है, तो इसको भी हम इस समय लगा सकते हैं। अपने आप ही डिवाइड होकर प्लांट जो घना होता रहता है, तो उसमें साइड से पप्स लेकर आप नया प्लांट बना सकते हैं। दोस्तों, मनी प्लांट वगैरह इस समय बहुत सारे सुंदर सुंदर वैरायटी होती हैं, और सब प्लांट जो है इस समय बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, बस इनको मॉइस्चर चाहिए। इनके आसपास जो है आप गर्मी का लू वाला मौसम रखेंगे तो ये प्लांट इतने अच्छे नहीं दिखाई देते, इनको जो है बहुत सारे प्लांट के साथ रखेंगे। छोटी छोटी जो है ये सिंगल लीफ से भी तैयार हो जाते हैं, देखिए कितने सारे नॉड एरिया हैं, हर नॉड एरिया से एक जो है आपको रूट निकलेगी, और उन रूट से आपके नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो ये खूबसूरत प्लांट जरूर आप इसमें कोई देसी वैरायटी वाले जो हमारे मनी प्लांट उनको करें, और या फिर ये नियोन पोथोज होते हैं, ये मार्बल क्यून है, कोई भी वैरायटी आप आसानी से इस समय इसकी तैयार कर सकते हैं।
दोस्तों स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती है, इसकी जो लंबी लंबी स्टेम वाली वैरायटी होती है और इस तरह की बर्ड नेस्ट वाली होती है। तो ये प्लांट जो है बर्ड नेस्ट वाले को आप जो है इसके साइड के पॉप से तैयार कर सकते हैं। देखिए ये जो साइड में प्लांट निकल गया, इसको अलग करेंगे तो एक नया प्लांट बन जाता है। पर जो है जो इसकी लंबी स्टेम वाली वैरायटी होती है उनको आप जो है एक सिंगल पत्ती से भी तैयार कर सकते हैं, साइड के पॉप से भी तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर प्लांट होते हैं, इसको भी हम इस समय लगा सकते हैं। ये देखिए ग्रोथ का सीजन होता है तो नए नए जो हैं लीफ निकलते रहते हैं इस तरीके से। इस तपती गर्मी में हम फाइलोडेंड्रम की वैरायटी देखिए, नए लीफ निकल रहे हैं। जिन प्लांट में नए नए लीफ निकलते हैं उनकी इस समय आप कटिंग लगा सकते हैं। इन फाइलोडेंड्रम को तो कटिंग करके आप कुछ दिन पानी में डाल दीजिए, तब भी जो है ये बहुत जल्दी इसकी रूट्स लंबी हो जा रही है इस गर्मी के मौसम में भी, तो इसको भी इस समय हम लगा सकते हैं। बिगोनिया वगैरह के मदर प्लांट आपके पास होंगे अभी भी, तो उनसे जो है इस तरह से देखिए गर्मी में छोटी छोटी कटिंग तैयार कर लीजिए। आप ये देखिए मेरी कितनी सारी कटिंग तैयार हो रही है, डिफरेंट वैरायटी कटिंग इस समय तैयार कर सकते हैं। बिगोनिया वगैरह की भी बहुत आसानी से कटिंग से इस समय वैरायटी रेडी हो जाती है। बहुत सुंदर प्लांट देखिए दोस्तों, सिंगोनियम है, एरो रूट कहते हैं, एरो हेड का प्लांट होता है सिंगोनियम। इसकी कोई सी वैरायटी भी लगाइए आप इस समय, तो सब डिवीजन मेथड से या साइड से अगर इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली तब भी हम इसकी इस वैरायटी को पानी में लगाइए। पानी बहुत अच्छे इसके अंदर से रखे हुए प्लांट बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। सिंगोनियम में बहुत सारी वैरायटी आने लग गई हैं आजकल, तो देखिए एक मदर प्लांट से मैंने बहुत सारे इसके प्लांट तैयार कर रखे हैं। ये डेविल्स बैकबोन का प्लांट है दोस्तों, ये जो है स्पेशल वैरायटी होती है जो है हैंगिंग बास्केट में लगाई जाती है। तो ये देखिए सारे नए इसमें लीफ आए हुए हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा ठंड में जो होते हैं इनका फॉलेज अच्छा नहीं होता है, तो उनमें ऊपर से कटिंग कर दी, तो इसके बाद मैंने इसकी कटिंग से नए नए प्लांट तैयार कर दिए हैं। तो कितने सुंदर ये प्लांट लग रहा है, देखिए इसका लुक देखिए आप। किसी जगह को अगर आप कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए बॉल्बियन व्यू का प्लांट बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसमें कुछ नहीं करना होता, ये कैसी भी मिट्टी में चल जाता है, बस इसमें थोड़ा सा आप पानी देते रहे टाइम से, तो इसमें देखिए दिन पर दिन इतनी ग्रोथ करता है कि जो प्लांटर में लगा होता है उस प्लांटर का पता ही नहीं चलता है। जिस तरह से विंटर फ्लावरिंग प्लांट हम अपने बिगोनिया वगैरह को संभालते हैं, उसी तरह से इस समय देख सकते हो ऐसे जेरेनियम की वैरायटी वगैरह जो हैं आपके पास अगर अभी भी मिलती है तो उनको भी आप कलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो देखिए मेरे जेरेनियम में इस तरह से फ्लावरिंग भी हो रही है, तो कितना सुंदर वैरायटी। मैंने इसके कुछ दिन पहले ही नए प्लांट लाई हूँ, उनको भी मैंने रेडी कर दिया कटिंग से। ये जो देख रहे हैं ये समर बर्बीना कहलाता है। समर बर्बीना को इस समय कटिंग से बुक तैयार करने का बहुत अच्छा समय होता है, ये बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेता है। एक दो दिन इसके प्लांट अगर आप लगाएंगे कटिंग से तो ये जो है बहुत डल दिखेंगे, पर 3-4 दिन के बाद ही शेड में रखा हुआ प्लांट में आपके अच्छी तरह से खड़ा हो जाता है और उसमें नए नए लीफ आने लग जाते हैं। तो इस प्लांट को भी इस समय हम कटिंग से भरपूर गर्मी में लगा सकते हैं। इस समय जो है पर्सिलन और पार्चुला का समय चल रहा है, इन प्लांट को भी हम कटिंग से बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। इनकी भी कटिंग छोटी छोटी कटिंग जो भी वैरायटी आपके पास नहीं है उसको कलेक्ट करिए, कुछ दिन में ये प्लांट फूलों से भर जाने वाले हैं। जिस तरह पर्सिलन है उसी तरह पार्चुला का है। पार्चुला की देसी वैरायटी लगाइए, हाइब्रिड वैरायटी लगाइए, सभी वैरायटी इस समय कटिंग से बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। ये रोहियो प्लांट है, इसको भी कैसी मिट्टी में हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसके प्लांट की जो है दोस्तों एक बार आप ले आते हैं तो इसको भी हमेशा हम आपके गार्डन बना रहता है। तो इसके जो पुराने प्लांट होते हैं उनमें बहुत सारे पप्स निकलते हैं, तो उन पप्स यानी कि बेबी प्लांट निकलते हैं। कई बार किसी ने पूछा था मुझे पप्स क्या होते हैं, तो बेबी प्लांट निकलते हैं उनको आप हटाइए। ये देखिए कितने सारे निकले हुए हैं इसके, तो ये कितने सुंदर प्लांट है, इनको अलग करके हम नया प्लांट आसानी से बना सकते हैं इस गर्मी के मौसम में भी। ये पॉलका डॉट है, इसका भी ग्रोथ का सीजन होता है और इस पर दोस्तों ये बहुत सुंदर प्लांट, इसके तरह तरह के कलर होते हैं, तो इसको भी हम इस समय कटिंग से नया प्लांट बनाने का, क्योंकि इनका ग्रोथ का सीजन होता है और ये आपके गार्डन में बहुत खूबसूरत रंग भी बिखेरते हैं, तो इनको भी हम इस समय अपने गार्डन में कटिंग से नया प्लांट बना सकते हैं। इसके एक से ज़्यादा वेराइटी बना सकते हैं, नर्सरी से एक प्लांट लाते हैं तो उसके अलावा और प्लांट भी इसको कटिंग से हम रेडी कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट में एक सदाबहार प्लांट जो हमेशा हमारे पास बना रहता है, तो इस प्लांट में बहुत सारी वैरायटी आती हैं आजकल। या तो आप इसके डिवीजन मेथड से नया प्लांट तैयार करें या इन रनर से द्वारा कर सकते हैं। ये रनर भी देखिए बहुत सुंदर अच्छी अच्छी वैरायटी है, तो देखिए कितना ग्रीन लुक वाली वैरायटी है। तो इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, तो कोई भी वैरायटी जो आपके पास नहीं हो या आपके पास किसी पॉट खाली है तो उनमें लगाने के लिए गर्मियों के लिए तो बेहतरीन प्लांट होता है। इसको अपने गार्डन में ऐड कर रहे हैं तरह तरह की वैरायटीज़ की गर्मियों के लिए, जिन्हें जिन प्लांट में कुछ समझ में नहीं आता, जिन कोई भी हैंगिंग बास्केट में लगाइए, किसी में भी लगाइए, या आप मल्चिंग के लगाइए या फिर आप जो है किसी ग्राउंड कवर के लगाइए, तो ये बेहतरीन प्लांट होता है। कुछ कोई भी सॉइल इसमें कैसी भी सॉइल में चल जाता है, बस इसको टाइम से पानी दीजिए, तो ये देखिए बहुत तेज़ धूप नहीं देंगे तो बहुत सुंदर से कलर आएंगे। तो इस प्लांट को भी इस समय हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं।
ये पर्पल हार्ट है। पर्पल हार्ट की भी आप कोई भी वेरायटी इससे देखिए, बहुत सुंदर प्लांट होता है, पर्पल कलर का होता है। तो इसकी भी कट लंबी लंबी स्टेम जो रही है कट करके लगाया जाता है। तो कट करके नीचे की लीफ हटा के इस समय इसका नया प्लांट अपने यहाँ रेडी कर सकते हैं हम। तो बहुत जिन पॉट्स में आप चाहते हैं कोई पॉट खाली रहता है, समझ में नहीं आता, उनमें लगाने के लिए बहुत आसानी से सुलभ होने वाली वेरायटी है ये। कलरफुल पत्ता वाला आयरिसिन देखिए, ये भी बहुत सुंदर होता है। अगर आपके पास मेरा पुराना ही प्लांट है, इनसे हम बहुत सारे नए प्लांट बना सकते हैं इस समय। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है कटिंग से लगाने के लिए इस समय। कलंचो देसी हाइब्रिड, इनकी फ्लावरिंग ख़त्म हो गई हो या जिनमें जो है फ्लावरिंग ख़त्म होने वाली हो, तो इनकी कोई भी वेरायटी को जो है दोस्तों इस समय नए प्लांट तैयार करने के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाते हैं। बस उसको मॉइस्चर बनाए रखेंगे और उसके आसपास जो है बहुत ज़्यादा लू वाला मौसम नहीं रहेगा तो आसानी से तैयार हो जाते हैं। ये देखिए मैं भी जो है मदर प्लांट इस समय बहुत ग्रोथ करते हैं तो उनसे नए प्लांट बना रखे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट के नाम बताए, परमानेंट प्लांट के नाम बताए, जिनको आप अभी जो है कटिंग से बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं भरपूर गर्मी में और उनकी ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए मेरे जो है एक बेस्ट मटेरियल में लगे हुए ये प्लांटर है, इस पर देखिए कितने सुंदर मेरे देखिए कितने सारे फ्लावर्स खिल रहे हैं और कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं। ये सब ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर देते हैं हम, उन्हीं का कमाल होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।